हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका BHU MSC एंट्रेंस का क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट किया हूँ, उसमें मैं आपको नेट, गेट और BHU का भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये गेट में जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आया वो आपके BHU MSC एंट्रेंस में भी कई बार आता है, ठीक है। तो आज मैं स्टेटिस्टिकल को आपका पूरा फिनिश कराऊँगा, उसके बाद आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। उस डेवलपमेंट, जो थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, उस थिंक से आप BHU MSC एंट्रेंस में जब जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आपको PDF चाहिए है तो आप लोग हमारा जो नंबर है 6397101442 इस पर आप WhatsApp कर सकते हैं और आपको मैं PDF दे दूंगा WhatsApp पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो वीडियो है, पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, ये है, ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन दी टू डायमेंशनल सरफेस ऑफ ए स्फीयर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए इसमें क्या बताया कि एन नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, दे कैन फ्रीली मूव ऑन दी टू डायमेंशनल सरफेस। टू डायमेंशनल सरफेस है, मैंने आपको क्या बताया था, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, हाफ KT होती है। जब मैंने आपको ला ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया है, वो जो आप अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है हमारा ला ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जिसको स्टैटिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दिया होगा उसमें जाएं, उसमें हमारा लेक्चर दिया है, उसमें मैंने पूरा समझाया है, वहाँ पे जाएं, ठीक है। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ KT, ठीक है, हाफ KT। फिर आपके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास हाफ KT, यानी कि क्या हो जाएगी, आपके पास KT एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। एन से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एन एवोगाड्रो नंबर होता है हमारा, ठीक है। तो हाफ NKT, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल से आया है। देखिए माइक्रो कैनोन, देखो एंसेंबल टू टाइप के होते हैं, तो सॉरी थ्री टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया हूँ। ये कब बताया हूँ कि जब मैंने आपको BHU MSC एंट्रेंस क्रैश कोर्स नंबर लाइक पार्ट वन डाला है, उसमें मैं आपको बताया हूँ जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल होता है उसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, EBN कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं हम कैनोनिकल एंसेंबल की, तो जो कैनोनिकल एंसेंबल हमारा होता है, कैनोनिकल एंसेंबल उसमें होता है TBN, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल ये क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। फिर हमारा थर्ड जो नंबर आप जो कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल होता है वो होता है आपका TBμ, यानी कि इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका क्या रहता है, केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यानी कि पहले वाले में क्या रहता है EBN, दूसरे वाले में TBN और थर्ड वाले में TBμ। तो ये हो गई आपकी एंसेंबल की बात हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिंगल मालिक्यूल जेड अल्फा, दी पार्टीशन फंक्शन ऑफ सच नॉन इंटरेक्टिंग गैस मालिक्यूल। देखिए अगर पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग गैस है, नॉन इंटरेक्टिंग मालिक्यूल है, जेड की पावर एन हो जाता है, और अगर आपके पार्टिकल इंटरेक्टिंग है तो जेड की पावर एन अपान फैक्टोरियल एन होता है, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के पार्टीशन फंक्शन होते हैं। पहला अगर आपका नॉन इंटरेक्टिंग के केस में जेड की पावर एन, और जो आपका इंटरेक्टिंग के केस में होता है वो होता है जेड की पावर एन अपान फैक्टोरियल एन। अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे है, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसे सिस्टम पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेक्टिंग नेचर के हों, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला है, अगला दिया है कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि हमें एफ दिया है, फ्री एनर्जी दिया है, वो दिया है F = -A/3 AB^T^4। तो आपको केमिकल पोटेंशियल निकालना है, तो केमिकल पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया, -1/β या KT कर देंगे, यहाँ पे KT डेवर F ओवर डेवर N, अगर यहाँ पे G दिया होता है डेवर F ओवर डेवर G कर देते N कर देते हैं, तो यहाँ पे N तो है ही नहीं हमारे पास, कहीं पे N है इसे एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसका केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास ये है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ असेसेबल स्टेट ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ऑफ स्पिन ऑफ।
देखिए एंड पार्टिकल और स्पिन हाफ पार्टिकल है। स्पिन हाफ पार्टिकल का मतलब होते हैं आपके फर्मियांस, क्या होते हैं फर्मी पार्टिकल, फर्मियांस होते हैं। फर्मियांस क्या शो करते हैं आपका पाउली एक्सक्लूजन लॉ को, वो क्या करते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन लॉ को फॉलो करते हैं। और पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या कहता है कि आपका एक स्टेट में क्या होगा आपका वो होगा, तो आपका एक स्टेट में एक आपका वो इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें क्या है कि आपका एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट भी हमारी कितनी होगी एन होगी। तो ये आप याद रखिएगा, ये बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है वो स्क्रीन पे ये दिया है, दी प्रेशर फॉर ए नॉन इंट्रैक्टिंग फर्मी गैस विद इंटरनल एनर्जी यू। तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो हमेशा बी के डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रेशर को जब भी निकालेंगे तो बी के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पीकल टू 3/2 यू बाई बी, ये होता है, ये बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है हमारा कि हमारे पास फर्मी एनर्जी दिया है, तो हमारे क्या निकालना है एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी आपको मैं एक क्वेश्चन भी कराया हूँ साल बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस किसी शायद 2017 वाले पेपर में, तो ये क्या होता है 3/5 ई एफ होता है। तो एवरेज एनर्जी क्या होता है 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी, ठीक है। अगला है कि डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस ऑफ 10 डिजिट डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो आपका ये 100 हो जाएगा। इस पर लिखा है दी स्पेसिफिक हाफ ए आइडियल गैस इन दी 3 डायमेंशन एट वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जो होती है स्पेसिफिक हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर क्यू पे, और हाई टेम्परेचर पे क्या होती है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टी होती है, ठीक है। सॉरी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे आपका क्या होता है टी क्यू, और हाई टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट ऑफ टी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कंसीडर, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में आ चुका है, ये आया ही है, मैंने आपको 50% जिसमें प्रोबेबिलिटी बताया था 50% वाला, यहाँ का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 50% होगा, उसमें आया है 2017 इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसका मॉडिफाइड फॉर्म आया है। इसमें दिया है कि आपका जो टेम्परेचर 300 है और ई एफ जो है फर्मी एनर्जी, देन आपका जो एफ ई का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो देखो फर्मी एनर्जी जो हम निकालते हैं फर्मी फंक्शन एफ होता एफ ई होता है वन अपान ई की पावर माइनस वन अपान ई माइनस ई एफ अपान के टी प्लस वन। अगर यहाँ बोस की बात करते हैं बोसान बोस स्टेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ माइनस वन होता, अभी हम फर्मी गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है। अब हमारा ई इक्वल टू ई एफ अगर हम कर दें इक्वल टू ई एफ, तो ई माइनस ई कर देंगे, ई माइनस ई क्या हो गया ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का मतलब हो गया वन, तो ये हो गया वन प्लस वन यानी कि वन बाई टू, यहाँ अगर बात करेंगे तो ये 50% प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। ये हो गया अगला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है, ये बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इन ए क्लासिकल माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल फॉर ए सिस्टम ऑफ एन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल दी फंडामेंटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या होता है आपका, होता है आपको मैंने बताया था डी टाउ कर टू, क्या होता है आपका वॉल्यूम डी एक्स डी वाई और डी जेड, फिर क्या होता है इंटू डी पी एक्स डी पी वाई इंटू डी पी जेड, ये होता है डी एक्स डी पी एक्स मैंने आपको क्या बताया था एच डी वाई डी पी वाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एच और डी जेड और डी पी जेड ये एच, तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा एच क्यू, जो वॉल्यूम होगा एच क्यू, बात कर रहे हैं एन पार्टिकल क्योंकि एच क्यू की एच क्यू इंटू एन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इस तरीके का। अगला क्वेश्चन फिर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और कैनोनिकल एंसेंबल से पूछा गया था, तो ये माइक्रो कैनोनिकल में क्या होगा ई वी एन और इसमें कैनोनिकल में क्या होगा टी वी एन। अगला जो पार्टिकल है इफ टू पार्टिकल आर सेड टू बी डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल कब होंगे दो पार्टिकल जब उनका एवरेज डिस्टेंस होगा वो लार्ज होगा कंपेयर टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, तो पार्टिकल को क्या कहेंगे हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है एक फोटॉन गैस है तो उसका डेंसिटी या स्टेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डी एन अपान डी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ई के, डी एन अपान डी ई फोटॉन गैस की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दी प्रोबेबिलिटी दैट दैट ए स्टेट विच इज़ 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव दी फर्मी एनर्जी, देखो फर्मी एनर्जी मैंने अभी भी फार्मूला बताया था क्या होता है एफ ई कट टू बन अपान ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस सी एफ अपान के टी प्लस वन होता है, हमें ई माइनस सी एफ जो दिया है 0.02 दिया है और टी दिया है 700 केल्विन, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे इन्हें जूल वूल में जो भी बदलना बदल के, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.035 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी आपका 3.5% प्रोबेबिलिटी होगी।
अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आइसोथर्म जो ये दिया, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड दिया है, उसके बाद प्रेशर। तो प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी में जो रिलेशन होता है पीपर टू बना पान के टी, या और कंप्रेसिबिलिटी में बता देता हूँ कि क्या होता है, माइनस बना पान पी और डी बी अपान डी पी, ठीक है। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये आपका पी पी के टी दिया है, के टी दिया है, तो बना पान के टी यहाँ रखा, ऊपर ले जाएंगे 10^10 पास्कल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया है ए सिस्टम ऑफ एंड नॉन इंटरेक्टिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ स्पिन वन। तो आपको इस पर एंट्रॉपी निकालनी है। एंट्रॉपी देखिए क्या होती है आपकी, एंट्रॉपी होती है आपका 2s+1n, ठीक है। तो 2s+ ओमेगा एंट्रॉपी क्या होगी आपकी, s=nkt log ओमेगा क्या होती है, s=nk log ओमेगा ये होता है। आपको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा जो हमारा होता है वो होता है 2s+1n। तो s हमें क्या दिया है, स्पिन दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2n, और लाग ओमेगा में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k log ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 2 मैंने लिखा नहीं था, 2 लिखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन आया कि आपका 2 डायमेंशन में जो निकालना है फर्मी एनर्जी से रिलेशन, और अब की बात क्या है, गैस है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है, फोटॉन गैस थी तो e^√n √e था, और आप जब बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में 2 डायमेंशन में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है dN/dE, हमेशा याद रखिए, हमेशा कोई भी एक्सप्रेशन देखिए उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के होगी, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो e² के प्रोपोर्शनल होगी, बस यही याद रखिए। नेट में 5 मार्क्स में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका 2 डायमेंशन में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के होती है, और 3 डायमेंशन में e² को होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हमें दिया है log z की वैल्यू क्या दी है, हमें log z की वैल्यू ये दी है, उसके बाद आपको एनर्जी निकालना है। एनर्जी और log z की वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, माइनस डेबर ओवर डेबर बीटा log z। यहाँ पे kBT जो है बना पान बीटा क्यूब कर रख दिया, और उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, और आंसर आपका क्या आ गया, ये CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब हो गया, ठीक है। ये आप कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपको करना ही आता है। अगले बात करते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी लेवल ई एट ए टेम्परेचर टी इज अन ऑक्युपाइड फ्रैक्शन ऑफ केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो आपका जो ये होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, (1/(μ − 1/kT+1) ये होता है आपका। फिर आपका दिया है फर्मी गैस है, वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है (n^3/2). फर्मी एनर्जी भी आप जानते हैं (n^3/2) होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें दिया है कि आपके पास 2 लेवल हैं जिनकी एनर्जी 0 है, ई है, आपको फ्री एनर्जी निकालनी है। तो फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है -nkt log z। अब हमें जेड मतलब पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो पार्टीशन फंक्शन कैसे निकलेगा, पार्टीशन फंक्शन होता है आपका (summation e^-βEi), और साथ में gi होता है। अगर डी जनरेसी दी हो तो लगाते हैं उसकी वैल्यू, अगर नहीं दी हो तो बन लगा देते हैं। तो z = क्या हो गया, e^-βE की जगह आपकी बार पहली बार क्या रखेंगे, 0, प्लस दूसरी बात e की जगह क्या रखेंगे, बीटा e की वैल्यू रखेंगे, e है जो हमें दी है। तो e^0 का मतलब हो गया 1, तो हमारे पास जो जेड हो गया वो जेड है आपके पास 1+(e^−βE), ये जेड हो गया। अब हमें निकालना है फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, -nkt log z। तो -nkt log z की जगह हमने क्या रख दिया, 1+(e^−βE) ये वैल्यू रख दी, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए वही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफिक हीट निकालनी है आपको, उसी का क्वेश्चन का आधा पार्ट है ये आपको एफ दिया है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो कैसे निकलता है, e/kT यानी βE और (f/T) कर देते हैं, और आपको क्या निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी है L/L साइज का, तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो ये होता है आपका, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है आपको
कि फ्री एनर्जी, एवरेज ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ई एफ में टर्म निकालना है। तो आपका मैंने आपको अभी बताया था 3/2, 3/5 एंड ई एफ होता है। इसमें दिया है आपको एफ दिया है, आपको एंट्रॉपी निकालनी है और आपको निकाल एंट्रॉपी और प्रेशर दो चीज़ें निकालनी हैं। देखिए हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस पी वी, क्या होता है यू माइनस पी वी। तो डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस क्या हो जाएगा आपका डी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले का ऐसा ही पी डी वी माइनस पी डी पी हो जाएगा। अब डी यू क्या होता है हमारा, डी यू होता है टी डी एस माइनस, देखिए डी यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। और फिर दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, यानी कि दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यू की जगह टी डी एस कर दिया तो आपका ये डी यू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे रख दीजिए डी यू की जगह टी डी एस माइनस पी डी वी, तो डी एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस पी डी वी माइनस करेंगे तो आपका यू हाँ यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा और ये माइनस बी डी पी ये रहेगा, ये पी डी वी से पी डी वी कट गया, टी डी एस माइनस बी डी वी बचा। अगर हम पी को कांस्टेंट रख, सॉरी इसमें निकालना है आपको प्रेशर, तो सॉरी यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ आपको, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, यू माइनस यू प्लस पी वी होता है, सॉरी नहीं यू माइनस पी वी, यू माइनस पी वी। तो यहाँ पे डी एफ निकालेंगे हमारा डी यू माइनस पी डी वी और माइनस वी डी पी हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर देंगे यहाँ पे डी यू की जगह टी डी एस माइनस पी डी वी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और माइनस ये कर, ये आपका माइनस करेंगे इसे इसे उसमें से, तो ये जो बन जाएगा हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें जो पी आएगा पी इस फॉर्म में आएगा और एस इस फॉर्म में आएगा। तो आप ये याद रखिए, ठीक है, डी यू इक्वल टू सी वी डी टी भी होता है, ये याद रख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जो एफ में दिया है हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया है एन एंसेंबल ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज केप्ड एट इनफाइनाइट टेम्परेचर टी इक्वल टू 1/kVT। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको वो दिया है कि आपका एवरेज एनर्जी दिया है, मतलब एनर्जी दिया है आपको जेड निकालना है। तो मास डिवाइड ओवर डिवाइडिटी लॉग जेड होता है, तो लॉग जेड निकालेंगे तो इधर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन ड्राएंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। और अगर लॉग जेड हटाया जेड आ गया ई की पावर माइनस बीटा ई हो गया और आपको ई दिया है यहाँ पर पुट कर दिया, हो गया आपका आंसर हो गया। एवरेज एनर्जी आपके क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पूछा ये डायरेक्ट आंसर याद रखिए इतना होता है आपका। फिर मीन एनर्जी आप वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है, हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक चैप्टर कराया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का मीन एनर्जी निकलवाया है। तो जो मीन एनर्जी होता है आपको मैंने बताया था कि आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी पी स्क्वायर प्लस 2m यानी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने बताया था हर क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ के टू होती है। हर क्वाड्रेटिक का मतलब जो जिसकी पावर 2 हो, तो हर क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई हाफ के टी प्लस इसकी क्या हो गई हाफ के टी, तो हमारे पास टोटल जो एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या हो जाएगी के टी, तो वहीं पे हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी के टी हो गई। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया 3 dimension का दिया है, तो 3 dimension में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, अब 2 dimension की बात करते हैं तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इक्विलिब्रियम, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं, देखो एनर्जी जो होती है आपकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 होती है, सिग्मा टी की पावर 4। और आपका जो अगर हम एंट्रॉपी की बात कर रहे हैं, एंट्रॉपी होती है एस की पावर टी की होती है। नंबर ऑफ फोटॉन पूछे अगर कोई, नंबर ऑफ फोटॉन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की होती है। ये तीन चीज़ें याद रखिए, ये तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बी एच यू एम एस सी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो हमें ये दिया है कि आपकी अगर एनर्जी इतनी है पार्टीशन फंक्शन फ्री एनर्जी इतनी है, नहीं सॉरी पार्टीशन फंक्शन इतना है, तो आपको फ्री एनर्जी निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस एन
के टी लॉग जेड होता है, माइनस साइन के टी लॉग जेड होता है, तो माइनस साइन के टी लॉग जेड की वैल्यू क्या है, के टी अपन एच ओमेगा। इसे हम पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एन के टी लॉग एच प्लस ओमेगा वाई के टी हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा आया है वो पार्टीशन फंक्शन बेस्ड है, वो बाद में हम कराएंगे। अगला जो क्वेश्चन आया है ये आया है कि थ्री डायमेंशन स्पेस हैविंग टोटल एनर्जी बिटवीन ई एंड ई, मतलब इस एनर्जी रेंज ई और ई प्लस डी ई एनर्जी रेंज में आपको क्या निकालना है कि ये कैसे कितने प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल फ्री पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो मैंने आपको जब आपको पहला पीडीएफ पहला लेक्चर दिया है तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ई की पावर हाफ याद रखिए अपने माइंड में, जहाँ पे ई की पावर हाफ होती है या बी स्क्वायर होता है। अगर बी की फार्म में लिखा हो तो बी स्क्वायर, अगर ई की फार्म में लिखा हो तो ई की पावर हाफ जहाँ पे भी होगी, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ई की पावर हाफ वाला होगा, इसमें ई की पावर हाफ वाला था तो ये वाला सोल्यूशन हो गया। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैविटी निकालना है। तो दोनों बारी से हम कर लेते हैं, टी बी की पावर 1/3, आपको बी एच यू एम एस सेंटेंस में मैं करा भी चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा या आप इस पर लुक रख आप देख लीजिए खुद ये कैसे हुआ है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस बार। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये क्वेश्चन है, इफ़ एन एंसेंबल ऑफ एन थ्री लेवल सिस्टम विद एनर्जी दिया है, तो उसके बाद आपका अगर बीटा ई कितना है, एक सेकेंड, अगर आपका जो बीटा ई है वो बीटा ई कितना है, 2e 2 दे दिया है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन ई इक्वल टू 0। मैंने जो प्रोबेबिलिटी आपको फार्मूला बताया था, मैंने बताया था p इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस बीटा ई, ये हम बता चुके हैं अपने वीडियोस में, अपान जेड होता है, जेड का मतलब e की समेशन e की पावर माइनस बीटा ई होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, e की पावर माइनस बीटा ई 0 के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा था, यहाँ पे e की पावर 0 रख देंगे, यहाँ पे तीनों का पार्टीशन फंक्शन लिखें तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, पहले वाले में e की पावर माइनस बीटा और माइनस e की जगह माइनस ई रखेंगे, प्लस दूसरे वाले में माइनस बीटा, e की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस जो तीसरा वाला है तीसरे वाले में क्या करेंगे, माइनस बीटा e की जगह e रखेंगे। तो हमारा टोटल जो होगा वो पार्टीशन फंक्शन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, और जो होगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक में बन गया, तो कॉस हाइपरबोलिक को ऊपर ले गए तो ये बन गया। अब हमें दिया है कि आपका जो दिया है कि एक्स है, बीटा ई को एक्स मान लिया, जब हम एक्स मान देंगे तो फ्री एनर्जी निकालनी है, तो फ्री एनर्जी आपकी क्या होगी, माइनस एन के टी लॉग जेड, माइनस एन के टी लॉग जेड की जगह हम क्या रखेंगे, ई की पावर माइनस बीटा ई और जेड जो जो आपको दिया है स्टेट्स का उसका रख देंगे, और बीटा ई को मान लिया हमने एक्स मान लिया, तो एक्स तो ई की पावर एक्स माइनस एक्स का होता है 1 - x और ई की पावर एक्स होता है 1 + x, ये रखा तो माइनस एन के टी लॉग 3 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं स्टैटिक्स मैकेनिक्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी का जो पार्ट है आपको वो हम बाद में कराएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।